भाइयों बहनों, आप सभी लोग यहां पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहां से हमारे प्रत्याशी दिलीप घोष जी है, दिलीप दा। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बढ़ी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, हमारे बड़े नेता है दिलीप दा। भाई और बहनों, मैं आज एक बात बताने आया हूं। आप जब दिलीप दा के नाम पर, कमल के निशान पर जब बटन दबाओ, तब एक बात याद रखना, आपका दबाया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश के अर्थतंत्र को दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचाने का काम करना। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर देना। 3 करोड़ गरीब बहनों को लखपति दीदी बनाना। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 10 साल में करोड़ों गरीबों के जीवन में नया उजाला फैलाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, ये राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस 70 साल से राम मंदिर को अटका रहे थे, भटका रहे थे, लटका रहे थे। आपने मोदी जी को 18 सीट देकर दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये ममता दीदी को निमंत्रण भेजा गया था, भतीजे को भी भेजा गया था, परंतु वो लोग नहीं गए। आपको मालूम है क्यों नहीं गए? मालूम है दुर्गापुर वालों, मैं बताता हूं, वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक कौन सी है मालूम है ना आपको? है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक घुसपैठ कर जो आए हैं ना, वो उनकी वोट बैंक है, इससे ममता दीदी डरती है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जिन्होंने वोट बैंक के डर से राम का बहिष्कार करा, दुर्गापुर वाले उनको वोट डाल सकते हैं क्या? जोर से बोलो, डाल सकते हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो। ये खड़गे जी है ना, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, वो कहते हैं राजस्थान और बंगाल वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? खड़गे साहब, आपको 80 साल हो गए मगर आप बंगाल को जान नहीं पाए। मेरे दुर्गापुर का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाइयों बहनों, एक कम्युनिस्ट तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, इस सब ने 70 साल से धारा 370 को संभाल कर रखा। इसके कारण कश्मीर से पूरे देश भर में आतंकवाद फैलता था। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाइयों और बहनों, जब कश्मीर में धारा 370 हटाने का बिल
लोकसभा में चल रहा था, ये राहुल बाबा खड़े हो गए। जानते हो ना राहुल बाबा को? अरे जानते हो या नहीं? वो बोलो खड़े हो गए। इन्होंने कहा धारा 370 मत हटाओ। मैंने बोला भाई क्यों ना हटाएं? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है कंकर चलाने की। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम, 10 साल तक ये ममता बनर्जी के सहयोग से कांग्रेस की सरकार चलती थी, आए दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, मगर ये अपनी वोट बैंक के कारण कुछ नहीं बोलते थे। मैं आज आपको बताने आया हूं, उरी और पुलवामा में हमला किया मोदी जी ने, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए। 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल दिया। आपके पास जो चावल आता है ना, वो दीदी ने नहीं भेजा है, नरेंद्र भाई ने भेजा है, नरेंद्र मोदी ने भेजा है। 12 करोड़ लोगों का शौचालय बनाया, वो भी नरेंद्र मोदी ने भेजा है। 4 करोड़ लोगों को घर मिला, वो भी नरेंद्र मोदी ने भेजा है। 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर मिला, वो भी नरेंद्र मोदी ने भेजा है। और 14 करोड़ लोगों को नल से जल मिला, वो भी नरेंद्र मोदी ने भेजा है। भाइयों बहनों, हमारा वर्धमान दुर्गापुर इंडस्ट्रियल टाउन था, मगर ममता दीदी के गुंडों ने यहां पर पूरा औद्योगिक वातावरण तहस नहस कर दिया। मैं आपको एक मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, दिलीप दा को जिता दो, वर्धमानपुर की बंद पड़ी हुई, दुर्गापुर की बंद पड़ी हुई सभी उद्योगों को चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये स्टील प्लांट है, अफवाहें फैलाते कि स्टील प्लांट बंद कर देंगे, मैं आज कहता हूं उल्टा, स्टील प्लांट और यूरिया प्लांट दोनों में नया निवेश कर उसका विस्तार करने का काम नरेंद्र मोदी करने वाले। मोदी जी के नेतृत्व में ही स्टील का उद्योग पूरे देश भर में, दुनिया भर में भारत दूसरे नंबर पर पहुंचा है। भाइयों बहनों, यहां के मजदूर यूनियनों पर टीएमसी का राज है, गरीब मजदूरों की मजदूरी की उगाही कर टीएमसी के गुंडे भतीजे को देते हैं। एक बार दिलीप दा को जिता दो, ये गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों और बहनों, दीदी यहां 15 दिन से कैंप कर रही है कि दुर्गापुर में भाजपा को हरा दे। दीदी मैं आपको चैलेंज देकर जाता हूं, 15 दिन छोड़ो, पूरे 5 साल यहां रह लो तो भी दुर्गापुर नहीं जीत पाओगी, नहीं जीत पाओगी। भाइयों और बहनों, ये इंडस्ट्रियल टाउन दुर्गापुर में दीदी ने एक नया धंधा, नया इंडस्ट्री खोला है, अपराध का इंडस्ट्री। ये अपराधियों के कारण कोई यहां पर कुछ नहीं कर सकता। ये जो इंडी अलायंस वाले इकट्ठा हुए हैं, इन्होंने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार किया है।
12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। ये बंगाल के दीदी के मंत्रियों के घर से 50 करोड़ रुपया के मिलती है, झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिली, 350 करोड़ रुपया रोकड़ा, और आज कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है। भाइयों 30 करोड़ रुपए, मुझे बताओ जिन्होंने गरीब बंगाल की जनता का पैसा लूटा है वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? जोर से बोलो, जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? नरेंद्र मोदी 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, उस पर 25 पैसे का भी कोई आरोप नहीं है मित्रों, कोई आरोप नहीं। भाइयों बहनों, ये लोग कट मनी चलाते हैं, घुसपैठ कराकर अपनी वोट बैंक बनाते हैं। ममता दीदी आपको सर माननी चाहिए, सरहदी राज्य में आप घुसपैठ को बढ़ावा देती हो और उसको वोट बैंक में करनट। मुझे बताओ भाई दुर्गापुर वालों, बंगाल से जो हिंदू बहुत सीख आए हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जोर से बोलो, सीए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ये ममता दीदी अपने वोट बैंक के लिए सीए का विरोध करती है। ममता दीदी, दुर्गापुर वालों के यहां मैं कहकर जाता हूं, जितना मन करे विरोध कर लो, हमारे हिंदू भाइयों को नागरिकता देने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। भाइयों और बहनों, गाय तस्करी रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? ये भतीजे के गुंडे गाय तस्करी का काम करते हैं, जब जेल में डालते हैं ममता दीदी रोने लगती है। कोयला का भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, चुनावी हिंसा, ये बंगाल के अंदर आम हो गया है। आज ही बम धमाका हुआ, वो डराना चाहती है, मगर दुर्गापुर वालों, चुनाव आयोग ने सेंट्रल फोर्सेस लगाई है, ममता के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है, खुलकर मतदान करिएगा। और अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, संदेश खाली के अंदर इनके तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने धर्म के आधार पर हमारी सैकड़ों बहनों पर अत्याचार करा। ममता दीदी इसको पकड़ने को तैयार नहीं थी, हाई कोर्ट ने ऑर्डर करने पड़े, फिर भी जांच नहीं कर रही थी, तो हाई कोर्ट ने जांच को सीबीआई को दिया। मुझे बताओ, इस शाहजहान है, इसको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? ममता दीदी आपको शर्म आनी चाहिए, आप मंत्री हो, आपके नाक के नीचे सैकड़ों मार चार बलात्कार हुआ, आपका पेट का पानी नहीं हिलता है। परंतु मैं आज बता देता हूं, संदेश खाली में जिसने अत्याचार किया है वो पाताल में भी छुप जाए, ममता दीदी उसको पाताल में भी छुपा दे, हम ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहना आया, आपने 18 सीटें दी, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, इस बार हमने 30 सीटों का लक्ष्य रखा है। मुझे बताओ दुर्गापुर वालों, 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? दिलीप दा को सांसद बनाओगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ,
विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और जोर से बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे भारत माता की, भारत माता की। भाई वो कैमरामैन, वो बहन के हाथ से जरा फोटो ले लो, मुझे पहुंचाओ, जरा ले लो वो फोटो। सभी लोग ताली बजाओ अपनी बहन के लिए। नहीं, उन्हीं को दे दीजिए, आप नहीं आ पाएगी, मुझे तुरंत निकलना है, उनको दे दीजिए, मुझे पहुंचा देते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।